आज सुबह सोकर के उठे उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने एक सूरज और दिखाया, एक दिन और आपको कुछ करने के लिए दिया। धन्यवाद देना मत भूलो। चाय पीने से पहले, नाश्ता करने से पहले 2 मिनट और 5 मिनट का वक्त निकाल करके सच्चे मन से उसे धन्यवाद दो। जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी है। बहुओं से निवेदन, सुबह उठ करके आप जय जिनेन्द्र करना मत भूलिए। सास को नाश्ता ना दो चलेगा, भोजन ना दो चलेगा, खाने पीने की उनकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन रोटी की भूख नहीं है। आप हाथ जोड़ करके घर के मुखिया पन का जो उनका दर्जा है आप सम्मान दीजिए। बस अगर सास ने कह दिया बेटा खुश रहो, फिर कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि दे दिया खुश रहो। अब वो सास कोशिश करे कि मेरा आशीर्वाद आज के दिन इसे फले, झगड़ा नहीं हो, विवाद नहीं हो। जय जिनेन्द्र। हाथ जोड़ करके अभिवादन करना मत भूलिए। सास को बहू ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, सास को बड़ा ताजु हुआ। बहू गुजर रही थी, उसके पांव की ठोकर से गिलास रखी थी, गिलास गिर गई, फूट गई। ससुर ने कहा बहू देख कर चला करो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा जी पिताजी मेरे से गलती हो गई, आइंदा में ख्याल रखूंगी। ससुर ने कहा और ये इसको क्या हो गया, अब तक तो मैं ये इसको अगर कुछ बात कहता था तो मैं एक बात बोलता था, ये 10 बात बोलती थी, लेकिन आज इसने बड़ी विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। ससुर के मन में बदलाव आया, सास के मन में बदलाव आया। 4 दिन बाद पति दुकान से वापिस आया, पति ने आवाज दी अजी सुनो, आवाज दी अजी सुनो। पत्नी बोली आईजी, आईजी, ये DIG बहुत हो गए। पति को लगा, पत्नी आई और बोली आपने मुझे बुलाया, हाँ जरा पानी लेकर आओ, अभी लाई। पानी लेने गई, पति को लगा इसे अब तक पानी मांगता था तो पानी तो नहीं मिलता, जवाब मिलता था कि तुम अपने हाथ से निकाल के नहीं पी सकते क्या, देख नहीं रही मैं काम कर रही हूं, आज इसे क्या होगा, ये तो कुछ बोले नहीं, पानी लेने गई, पानी लेकर आई। पत्नी, पति का भी मन बदला, ससुर का भी मन बदला, सास का भी मन बदला। पत्नी को लगा धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है, धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है। और 15 दिन में हालत यह हो गई, सास ने बहू को बुलाया और बुलाकर कहा बहू ये घर की तिजोरी की चाबी, घर की मालकिन बना दी और सबकी चैती बन गई। एक दिन अचानक बहू का भाई लेने के लिए आया, ससुराल के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे, अच्छे आदमी को कोई जुदा करना नहीं चाहता, कोई विदा करना नहीं चाहता। परिवार के लोगों ने कहा हम नहीं भेजेंगे। लड़की की बहू के भाई ने कहा रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहन भाई को राखी बांधेगी। घर के लोगों ने मजबूरन बहू को विदा किया। अब विदा हुई, घर पहुंचती, रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करती गई। पहली बार बुराई करती गई थी, इस बार प्रशंसा करते गई। घर पहुंची, बाप से लिपट गई, बाप ने कहा बेटी स्वर्ग कैसी लगी, बेटी ने कहा एकदम स्वर्ग जैसी, पहले बोली थी एकदम, बेटी ने बाप ने कहा कि स्वर्ग कैसी, बोले एकदम स्वर्ग जैसी, और बोले ससुर तो मुझे आपसे भी ज्यादा स्नेह रखते हैं, और बोली सास की तो बात ही मत करो, कभी भी मुझे माँ की कमी का आभास नहीं होने देती, और बोले तेरे देवर किसे, बोले देवर मुझे माँ जैसा सम्मान देते हैं, और बोले जेठ साक्षात भ्राता का रूप है, और बोले ननद
बोले इससे अच्छी सहेली तो कोई हो ही नहीं सकती। और बोले मेरा दामाद, बोले पिताजी आपने भी क्या चुन के ढूंढा है। और बोले पड़ोसी एकदम सज्जन ईमानदार और शरीफ, बेटी बाप ने कहा शाबाश बेटी, तेरी साधना सफल हुई। परिस्थितियों के अनुरूप जो अपने को ढाल कर जीता है, जहर भरे संसार में भी वो अमृत पीता है। परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर जो अपने को जीता है, वो जहर भरे संसार में भी अमृत पीता है। और यही जीवन की गीता है। मैचिंग का जमाना है। मैचिंग, इन देवियों को देखो, ऐसी लगेगी जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। अभी आप देखोगे तो ऐसी लगेगी स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो, और जब भी घर में चौके चूल्हे में काम कर रही हो अचानक पहुंच जाना, तो ऐसी देखेगी जैसे महिषासुर मर्दिनी रणचंडी। मैचिंग, मैचिंग, मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैचिंग का जमाना है। ऊपर से नीचे तक मैचिंग, आगे मैचिंग, पीछे मैचिंग। अपनी मैचिंग पूरी हो जाए तो फिर पप्पू के पापा की मैचिंग। लेकिन मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ वो कहीं भी मैच कर जाए। अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। केवल वस्त्रों और आभूषण का मैचिंग मत रखिए, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ कहीं भी मैच कर जाए। आज के जमाने में तरुण से अगर कड़वी बात बोलेंगे, या तो अपने स्वरूप को, अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदल लीजिए, वरना आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे रहने के फिर लायक नहीं है। इस दुनिया में अगर आप रहना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलाओ, अपने नेचर को बदलाओ, अपने विचारों को बदलाओ। और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं तो ये दुनिया आपके रहने के लायक नहीं है, फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। इस दुनिया में रहना है तो अपने स्वभाव और नेचर को बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 11:15 बज रहे हैं, आज पहला दिन था, कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत। अपने अपने घरों में पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग। बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धूं धूं करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए, आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा, वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश होगी, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आपका जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना,
पीट देना। किसी जैन मुनियों से, जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं खत्म करता हूं, अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा कैसा चलेगा, कैसे चलेगा, छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते, क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है, क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो केके और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो केके और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था, वो क्या था, स्टोरी नहीं नहीं आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते तो केके मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था। नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था। अर्जुनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था। लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे, तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन लेकिन बोला गया बोल चाल बंद मत कर। और हम सबसे पहले झगड़ा पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाता है साहब, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं, बोला नहीं, चिट पे दिया, पत्नी को लेकर के चिट पर दिया कि मुझे 6 बजे भोपाल जाना है, ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे उठा देना। पत्नी ने चिट ली, पढ़ा, चिट को रख दी, पति पत्नी दोनों सो गए। सुबह जब पति उठा, घड़ी पर उसकी नजर गई, सुबह के 8 बज रहे थे। उसे बड़ा गुस्सा आया कि देखो मैंने पत्नी से कहा था कि सुबह उठा देना, इसने मुझे उठाया तक नहीं। तभी उसकी नजर सिराने गई, वहां एक कागज की चिट रखी थी, कागज की चिट पर लिखा था श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। बोली नहीं, बोली नहीं, श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। पति पत्नी के ये तो हाल है, वो कहते हैं ओ न प्यार है। छन्नी, छन्नी ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। छन्नी ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। तो सुई ने कहा, मेरे सिर में तो एक ही छेद है, पर बहन तेरे पेट में तो छेद ही छेद है।
मतलब समझिए, दूसरों की भूलों को नजरअंदाज करना सीखो। परिवार में सुकून चाहिए, परिवार में सद्भाव चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, परिवार में खुशी चाहिए, परिवार में प्रसन्नता चाहिए। एक छोटी सी बात को ध्यान रखो, भगवान महावीर ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध दूध पी लिया करता है, पानी पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा, कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब झोपड़ी में, गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है, ढक्कन। अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ तो सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। बच्चों से कहूंगा, अगर कभी तुम्हारे माँ बाप डांट दे, माँ बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने पर ये सोच रहा है कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया, मैंने विधानसभा के संबोधन में जो मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा कि संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं, और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता। इतना भी निवेदन मैंने किया, आप पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते। पड़ोसी के बच्चे को आप चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते, चांटा कोई अपना ही मारेगा। मैंने ये भी निवेदन किया कि भाई अगर मैं तुम्हें चांटा मार रहा हूं तो चूंकि मैं तुम्हारा अपना हूं, भाई हूं, इसलिए चांटा मारने का मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है। अगर मां बाप ने कभी डांटा बुरा मत मानिए, बल्कि ये सोचिए गलती होने पर मां बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और कभी अगर छोटे गलती कर दे, छोटों से भूल हो जाए तो भी बुरा मत मानिए, सोचिए कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। गलतियां अगर छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मतलब यह हुआ हर हाल में अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालिए।
क्योंकि हर जगह घर जैसी सुविधा नहीं मिलती है। इसीलिए जैसी परिस्थितियां हो अपने आप को ढालिए। लेकिन आदमी इतना गुलाम हो गया शरीर का, एक दिन अगर चाय पीने ना मिले दोपहर में, कौन बोला सही बात है? तो जब से गलत बोल रहा हूं क्या? आदमी आदमी आदतों का इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, ये एक दिन दोपहर में अगर चाय पीने ना मिले, आदमी का काम करने में जी नहीं लगता। चाय आजकल तो हाल ये हो गया, किसी के यहाँ आप मेहमान बन के जाइए, वो आप खूब पूछे, खूब पूछ परख करे, खूब तरह तरह के पकवान व्यंजन मिष्ठान नमकीन बनाए आपको खिलाए, लेकिन चाय ना पिलाए। तो वापिस जब आप अपने गांव आओगे, लोग पूछेंगे भैया बहुत पूछ परख हुई होगी, खातिरदारी हुई हो। अरे क्या खातिरदारी, चाय तक के लिए नहीं पूछा, चाय चाय ना हुई ईश्वर या राय हो गए, जमाना बदल गया। जमाना बदला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक जमाना था कि राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, मनमोहन राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी। अब जी आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, महंगाई महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। घर से आदमी चलता है टमाटर लेने के लिए, 40 रुपए किलो टमाटर के हिसाब से घर से चलता है, बाजार पास पहुंचते पहुंचते 42 रुपए किलो हो जाता है। इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। और मुझे लगता है अगर महंगाई में होता रहा इसी तरह चढ़ाव, तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव, चावल 25 में से जोड़ी, चावल 25 पैसे जोड़ी, गेहूं 2 रुपए की कौड़ी, दूध 5 रुपए फूट, घी 10 रुपए में सूंघ, दूध 5 रुपए फूट, घी 10 रुपए में सूंघ। बात क्या कही वित्त मंत्री ने, बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही, आम 20 रुपए के 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। महंगाई बढ़ रही है। महीने के आखिरी में पत्नी पति को तनख्वाही मिली, तो पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक होता है, पति कहीं भी जाए, बाहर कहीं भी जाए, महिलाओं की एक डिमांड होती है मेरे लिए एक साड़ी लेती आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका आपता, पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी ले दिया ना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी, पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा, तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी,
कुत्ती बोला, मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली, तुमने कहा था कि साड़ी महंगाई है। पति बोला, मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहिए, रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरा चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग टूटवा सकते हो। किसी को 1,00,000 रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2,00,000 रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ चंद रुपए ही रह गई है।